लेट जमीर अहमद गोला T10 लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था गोला ब्रदर्स ने, जिसमें 11 टीम्स ने भाग लिया था। फाइनल मैच बगदाद वॉरियर्स और KCC बॉयज के बीच खिलाया गया। KCC बॉयज ने 10 ओवर में 7 विकेट्स खोकर 71 रन बनाए। बगदाद वॉरियर्स ने 7 ओवर में 2 विकेट्स खोकर 72 रन बनाकर 8 विकेट से लेट जमीर अहमद गोला T10 लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। मैन ऑफ द सीरीज MCC टीम के अब्दुल खयूम को दिया गया। बेस्ट बैट्समैन बगदाद वॉरियर्स के शेख आमिर को दिया गया, जिन्होंने 144 रन बनाए। बेस्ट बॉलर MCC टीम के अब्दुल खयूम को दिया गया, जिन्होंने 13 विकेट्स हासिल किए। बेस्ट विकेट कीपर गुलबर्गा बुल्स के मोइस को दिया गया। बेस्ट फील्डर MS 11 टीम के नीतीश कुमार को दिया गया। कैश प्राइज फाइनल टीम को 30,000 रूपए दिए गए। रनर अप टीम को 15,000 रूपए दिए गए। बेस्ट बैट्समैन को 5,000 रूपए दिए गए और मैन ऑफ द सीरीज 15,000 रूपए दिए गए। काफ़ी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ था टूर्नामेंट, और जो भी ऑर्गेनाइज करे थे उसको उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कि हाँ, वो बोल सकते हैं कि सही एडवर्टाइजमेंट और सही इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होता है। नेशनल स्तर के टूर्नामेंट में डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है, उससे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है प्लेयर्स को भी। यूजुअली टेनिस बॉल में जैसे कि हम खेलते हैं तो कोई डिसिप्लिन नहीं रहता, तो लेदर बॉल में अगर वही प्लेयर्स आ रहे हैं तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाती है नासिर सर की वजह से। हम जैसे प्लेयर्स को भी आज भी सुनने को मिलता है अगर डिसिप्लिन में नहीं रहे तो। बहुत बहुत मुबारक इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स को, स्पेशली नासिर सर को और बगदाद वॉरियर्स एज वेल एज KCC बॉयज। अलग टीम्स है पर ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप से खेलना वो इम्पोर्टेंट है। इंशाल्लाह दुआ करता हूँ कि ऐसे ही टूर्नामेंट्स होते रहें इंशाल्लाह, और जो भी हमारे साथ जो जूनियर बच्चे हैं वो भी कुछ सीखें, कुछ अच्छा क्रिकेट खेलें। आपके साथ शुक्रिया करता हूँ हमारे ग्राउंड के जो ओनर हैं ताकि वो, और ये भी चाहता हूँ कि बच्चों को चांस दें, यहाँ से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके वो आगे जा सके। तो यही टूर्नामेंट हमको इंशाल्लाह हमारे जो फ्यूचर्स के जो आने वाले बच्चे हैं उनको ये देखने को मिलेगा कि डिसिप्लिन में खेलने का मतलब ये है कि गेम को किस तरह आगे लेके जाना है, और गेम के डिसिप्लिन से अपने जो क्वालिटी है, अपनी गेंदबाजी, अपनी बॉल, अपनी बॉलिंग, अपनी बैटिंग जो भी है, उसको किस तरह से किस वे में लेके जाना है। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी गोला फैमिली से और तमाम हमारे स्पॉन्सरों से, खास करके अदनान गोला जो उन्होंने हमें काफ़ी बैकअप दिया। अस्सलाम वालेकुम, अभी जस्ट लेट जमीर अहमद गोला T10 लेदर बॉल टूर्नामेंट का फाइनल हुआ है। अभी जस्ट क्लोजिंग सेरेमनी हुई है, जिसके अंदर हमारे और आपके MLA मैडम कुछ वजह से, कुछ मीटिंग की वजह से, रिव्यू मीटिंग की वजह से कुछ नहीं पहुंच सके, पर मेरे बड़े भाई और वार्ड नंबर 21 के कॉरपोरेटर अजमल गोला साहब वो भी कुछ मीटिंग में थे मैडम के साथ, जिसकी वजह से वो नहीं पहुंच सके। ये एक जमीर अहमद गोला लेट जमीर अहमद गोला T10 टूर्नामेंट करने का एक मकसद था कि
मरहूम वालिद साहब की यादें ताज़ा करें। जो मरहूम वालिद साहब यहाँ से 33 साल पहले जो आवाम की खिदमत करते थे, तो लोगों की एक बहुत ख्वाहिश थी, लोगों की बहुत ज़्यादा ये आ रहा था कि कुछ उनके जो ज़मीर गोला साहब थे, तो उनकी यादें में उनकी दुआओं के लिए उनको याद किया जाए, तो कुछ ऐसा प्रोग्राम करने के लिए। तो ये भी शुरुआत है, अभी सीज़न फर्स्ट हुआ है, तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़ किए हैं तमाम स्पॉन्सर्स, तमाम अपने ऑर्गेनाइज़र और हमारे सर नासिर सर का बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छे से डिसिप्लिन से अपना ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किए हैं और उम्मीद भी ये करता हूँ कि आने वाले सीज़न में इससे अच्छे से कुछ कमी रही है तो इंशाल्लाह वो भी कमी पूरी करके इंशाल्लाह हम अगला सीज़न जल्द से जल्द आपके बीच आएंगे। और आपकी खिदमत करने के लिए मेरे बड़े भाई अजमल गोला साहब, वार्ड नंबर 21 के कॉरपोरेटर जो आपके बीच हैं, तो इंशाल्लाह वही दुआएं से, वो आपकी दुआओं से इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट भी अगला इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके बीच आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।